मोहनगढ़ बस स्टैंड के पास दिन दहाड़े बदमाशों ने एक युवक को लूटने की कोशिश की। पुलिस की तत्परता से बड़ी घटना होने से बच गई। मामला पटनापुर निवासी ठाकुरदास पिता सुखनंदन यादव उम्र 40 वर्ष बताया जा रहा है। मोहनगढ़ दिन दहाड़े युवक के सीने पर कट्टा अड़ाकर लूटने की कोशिश की गई। ग्राम पटनापुरा निवासी ठाकुरदास यादव पिता सुखनंदन यादव आयु 40 वर्ष काम से मोहनगढ़ आ रहा था कि मोहनगढ़ बस स्टैंड के पास तीन युवक बिना नंबर की लाल हीरो होंडा डिलक्स मोटरसाइकिल से आए और ठाकुरदास यादव के सीने पर देसी कट्टा अड़ा दिया और लूटने की कोशिश की। ठाकुरदास ने आरोपियों का कट्टा अपने हाथों से पकड़ लिया, जिस पर आरोपियों ने ठाकुरदास को मोटरसाइकिल की चेन से मारा। इतने में किसी ने मोहनगढ़ पुलिस को फोन कर दिया, जिस पर मोहनगढ़ TI मुकेश सिंघई अपने पुलिस बल के साथ तत्परता दिखाते हुए घटनास्थल पर पहुंचे तो आरोपी पुलिस को देखकर भागने लगे। दो आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया तथा एक आरोपी भागने में सफल हो गया। पकड़े गए आरोपियों ने अपने नाम सूरज अहिरवार पिता हरिशंकर अहिरवार, जयराम अहिरवार पिता हरिशंकर तथा तीसरे भागे अफराधी का नाम भोलू अहिरवार पिता मजलू अहिरवार निवासी भानपुर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश बताया। थाना प्रभारी मुकेश सिंघई ने बताया कि आरोपियों पर धारा 393/25-26 आर्म एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। आशा है कि आरोपियों द्वारा की गई अन्य घटनाओं का खुलासा हो सकता है। वर्ष 2019 लोकसभा चुनाव को लेकर हमारे इस पुलिस अधीक्षक श्रीमान अनुराग सुझानिया जी, एडिशनल SP MH चौरसिया जी, SDOP श्री प्राणावत जी के निर्देश पर चुनाव निर्विघ्न संपन्न होने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाइयाँ करने के लिए निर्देशित किया गया। अंतर्राज्यीय नाकों पर चेकिंग लगातार चल रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज शाम करीब 5 बजे जब हमारा स्टाफ भ्रमण पर था, उसी समय हम लोगों को सूचना मिली कि ग्राम पटनापुर निवासी ठाकुरदास को कुछ अज्ञात व्यक्ति, तीन व्यक्ति मोटरसाइकिल से आकर और गुलाबपुरा पटनापुर के बीच में लूटपाट का प्रयास कर रहे हैं। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, तो जिसमें जयप्रकाश अहरवार, सूरज अहरवार और भालू अहरवार निवासी ग्राम बानपुर जिला ललितपुर उत्तर प्रदेश के अपने हाथ में कट्टा लिए एक आरोपी उनमें से प्रार्थी ठाकुरदास को मोटरसाइकिल की चैन से मारपीट करते हुए, तीसरा आरोपी भालू लूटपाट का प्रयास करते हुए पाया गया। पुलिस की सक्रियता और गांव वालों की सक्रियता के कारण मौके पर पहुंचकर तत्काल आरोपियों को कब्जे में लिया। एक आरोपी के कब्जे से उसकी तलाशी लेने पर एक 315 बोर का कट्टा लोडेड और एक कारतूस साथ में, और दूसरे आरोपी के पास एक कारतूस पाया गया। इनको पकड़ने के प्रयास में जो है एक आरोपी मोटरसाइकिल छोड़कर भाग गया। तत्काल दोनों आरोपियों को सूरत और जयप्रकाश को कब्जे में लेकर थाने आए और फरियादी की तरफ से रिपोर्ट लिखकर धारा 393 IPC एवं 25/27 एक्ट का मामला कायम किया। पुलिस सक्रियता से काम कर रही है और किसी भी तरह की कोई घटना ना हो चुनाव निर्विघ्न संपन्न हो, इसके लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। न्यूज़ चैनल के लिए हमारा धन्यवाद।